सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताद हेतुवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम् तुमेव, तुमेव शरणम् मम देव देव। पार्वम परमात्मा को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग उन्हें जानते ही हैं, वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं। उनका एक धाम है बागेश्वर धाम सरकार, उनके विषय में मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ और आपको बता दूँ कि एक उनके दादा गुरु थे, यानी उनके बाबा थे सन्यासी बाबा। वो गांव के बाहर कुछ ज़मीनें परती पड़ी हुई थी, वहाँ वो हनुमान जी की साधना आराधना करते थे, ऐसा वही बताते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही बताते हैं। साधना आराधना वो करते थे, हनुमान जी की साधना आराधना करते थे। ये छोटे थे, 8-10 वर्ष की अवस्था इनकी हुई होगी, उनकी सेवा में जाया करते थे। पूर्णतः ये अकिंचन थे, दरिद्र मैं नहीं कहूंगा, अकिंचन कहूंगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास बहुत कुछ हो, परमात्मा ने उसको भंडार भर दिया हो, परंतु वह खर्च नहीं कर पाता हो, वह अपने बाल बच्चों पर खर्च नहीं कर पाता हो, अभी तो एक-एक रुपया वो सजोग कर बैंक बैलेंस करता हो, कहा गया चमड़ी चली जाए परंतु दमड़ी ना जाए, ऐसा व्यक्ति को दलिद्र कहा गया शास्त्रों में। ओवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बढ़ गई हो वह दरिद्र है, जिसने अपने तृष्णा को, अपने चाह को काबू में कर लिया हो वह तो श्रेष्ठ है, वह तो अमीर है। तो अकिंचन व्यक्ति थे, जाया करते थे सेवा में सन्यासी बाबा के, और बहुत दिनों के बाद सन्यासी बाबा की कृपा हुई, इनको शक्ति प्राप्त हो गई। कौन सी शक्ति? पर्चा बनाने की शक्ति, पर्चा बनाने की शक्ति। दरबार लगाने लगे, लोगों के विषय में बताने लगे कि आप प्याज खा करके आए हैं, आप मूली खा करके आए हैं, आज आपके घर भोजन नहीं बना है, आपकी जेब में 5 रुपया है, आपका अमुक अमुक से संबंध है, ऐसे ऐसी वार्ता ये करने लगे। मीडिया को कंट्रोल किया, अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, मैनेजमेंट की टीम बैठाई और देखते देखते पॉपुलर हो गए। पॉपुलर और ज्यादा तब हुए जब नागपुर के श्याम मानव की एक संस्था अर्ध श्रद्धा निर्मूलन कमेटी ने इनको चैलेंज दिया। इन्होंने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया और उसी बीच में वक्तव्य जारी होता रहा, कोई आज तक पर दे, कोई जो है एबीपी पर दे, कोई न्यूज 18 इंडिया पर दे, अपना अपना मंतव्य अलग 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 जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग देने लगे, चैनलों पर देने लगे, और वहां से इनकी ख्याति और ज्यादा बढ़ गई। अब तो ये सेलिब्रिटी हो गए, अब तो और हो गए। स्वयं कहते हैं कि मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन भीड़ अथा खड़े होते हैं तो 10 लाख की भीड़ आ जाती है, 20 लाख की भीड़ आ जाती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री में 5 ऐसे गुण बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन में हो, उनके हृदय में हो, 5 गुण बताइए। एक लोक उक्ति आपने सुनी होगी, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दो दे, और मीठी मीठी वाणी से सबको अपना कर ले। कौवा किसका धन हर लेता है, कोयल किसको क्या दे देती है, लेकिन अगर कौवा किसी के छत पर आकर के काव काव करने लगे तो लोग डंडा मार के उसे भगा देते हैं। अगर कोयल किसी पेड़ पर बैठकर आवाज दे दे तो लोग कान खड़े कर देते हैं उसकी मीठी वाणी को सुनने के लिए, एक दूसरे से चर्चाएं करने लगते हैं, लगता है कोयल बोल रही है, कितना मधुर बोल रही है। ये होता है गुण, किसी में वाणी की मधुरता होती है, किसी में सौंदर्य की मधुरता होती है, किसी में धन की मधुरता होती है, धन का अभाव होता है उसके जीवन में। तो परमात्मा ने सबको अलग अलग गुण और वैभव देकर के भेजा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कौन सा ऐसा गुण है
जो पब्लिक उनके यहाँ टूट पड़ती है। बात की जाए कोई शक्ति की तो वो तो मजार पर जाती है, अजमेर शरीफ में वही भीड़ चली जा रही है, वही भीड़ तो अस्पताल में जा रही है, वही भीड़ अन्यत्र जो दरबार है वहां भी तो लग रही है। तो भीड़ की क्या बात की जाए कि भीड़ तो हर जगह लगती है, लेकिन कोई गुण बताइए जिस गुण के कारण धीरेन की शास्त्र इतना लोकप्रिय हो गया। हाँ एक गुण है जो मुझे लगा कि अन्य जो बाबा हैं वो जो अपना व्यापार चलाते हैं, धार्मिक व्यापार उसे कह सकते हो, कह सकते हो, इससे पहले बाबा हुए लेकिन उन्होंने इतना खड़यंत्र नहीं किया, लेकिन आज के जो डिजिटल बाबा बने वो षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए। एक गुण है कि वो जो पैसा वहां से मार्केट से उठाते हैं, कमाते हैं, वो थोड़ा बहुत एक आध प्रतिशत, ज्यादा नहीं कहूंगा एक आध प्रतिशत समाज कल्याण भी में भी लगा देते हैं। अगर ना लगाएं तो वो उनको देगा भी कौन? अगर 101 कन्याओं का विवाह ना करे तो कौन उनको पैसा देगा बताइए? जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अकाउंट नंबर चलते रहते हैं कि 101 कन्याओं का विवाह, 200 कन्याओं का विवाह, इसमें आप भी दान देकर पूर्ण के सहभागी बने, अन्य क्षेत्र चल रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, ये सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं? कोई पर्चा बनाने वाली शक्ति तो इनको दे नहीं रही है, ये आप ही के जेब से पैसा जा रहा है। जो जितना लायक है, जितना सहयोग करने लायक है, वो अपने शक्ति के अनुसार दान दे रहा है। वो 1 करोड़ कमा रहा है तो 10 लाख दे दे रहा है, कोई 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये दे दे रहा है, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप वो अभी दान दे रहा है। चमत्कार नहीं हो रहा है वहां, चमत्कार नहीं होगा, अर्थ प्रधान हो गया है। अर्थ मात पिता बालक कहीं बुलावें और उधर भरे तो धर्म सिखावें, पेट भरने की शिक्षा आजकल चलने लगी है। व्यापार बढ़ गया है, धर्म का व्यापार बढ़ गया है। एक बात बता दूं, जो संत आज संत का चोला पहने हुए हैं, उघरे अंत ना हो ये निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु, उघरे अंत ना हो ये निबाहु और काल नेम जिम रावण राहु, जैसे काल नेमी संत का रूप धर के हनुमान जी को छलने गया था लेकिन उसकी पोल एक न एक दिन खुल गई। ये आज का जो दौर चल रहा है बाबाओं का, आज से 500 वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी को आभास हो गया था कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने एक पंक्ति में लिख दिया, तपसी धनवंत दलित ग्रही कल कौतुक बात न जात कही, कल काल विहाल लगी जब ले, निटरुम्ब कुटुम्ब भये तब ले, नहीं मानत कोई अनुजात अनुजा, सब जात कुजात भयो मंगता। तपसी धनवंत जो तपस्वी हैं, जो अपने आप को बाबा कहेंगे, मैं बाबा हूं, सन्यासी हूं, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं, और कथा पर बैठेंगे मंच पर तो कहेंगे क्रोध मत करो, निंदा किसी की मत करो, अगर आपकी कोई निंदा करता है तो उसको सहलो, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी क्षमाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, बड़े बड़े प्रवचन देंगे। क्या हो गया, तुम क्या लेकर आए थे, क्यों चिंता करते हो व्यर्थ, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया जो यहीं पर दिया, जो खो गया जो खो गया उसको कल खोना ही था, जो नष्ट हो गया उसको एक दिन नष्ट होना ही था, या शरीर भी नश्वर है, सब माया मोह है। लेकिन यही बात जब स्वयं के जीवन पर लागू होती है उन महात्माओं के, तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। कोई अगर एक शब्द निंदा कर दे तो बर्दाश्त नहीं होता, अरे मेरी निंदा कर दिया, मैं इतना ज्ञानी और मेरी इतना लोकप्रियता, समाज में लाखों लोग मुझे सुनने आते हैं, तो उस ज्ञान का क्या मतलब रह गया। बातें तो बहुत कुछ है लेकिन मैं और नहीं बोलूंगा। मेरा मंतव्य व्यक्त आपको कैसे लगा जो है कमेंट करके बताइएगा। मैं यह भी जानता हूं कि अंधविश्वासी लोग जो आग मूंद कर किसी से किसी पर विश्वास कर लेते हैं, कमेंट में वो गालियां देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम था सत्य बोलना, मेरा काम था बताना, जो मैंने बताया आप लोगों को, शेष आपकी मर्जी है।